क्यों बयां करूं अपने दर्द को, यहाँ सुनने वाले बहुत हैं पर समझने वाला कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं जनता शो। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्वेता तिवारी की। श्वेता तिवारी टेलीविजन इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री है। आजकल वो मेरे डैड की दुल्हन नाम के एक धारावाहिक में नज़र आ रही हैं। श्वेता कसौटी जिंदगी नाम के टीवी शो से पॉपुलर हुई और उसके बाद उन्होंने कई सारे टीवी शोज किए, जैसे परवरिश, जाने क्या बात हुई वगैरह वगैरह। श्वेता बिग बॉस सीजन 4 की विजेता भी रही। मगर कुछ दिनों से श्वेता अपने पति अभिनव कोहली को लेकर खबरों में है। श्वेता ने हाल ही एक इंटरव्यू में अपनी दूसरी शादी के टूटने को लेकर बात की। श्वेता ने कहा कि कैसे इनकी दूसरी शादी इनके लिए घाव बन गई थी और जहर का काम कर रही थी, और अब वक्त आ गया था कि मैं इस घाव को खुद से अलग कर दूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं खुश होने का दिखावा नहीं कर सकती, लेकिन मैं आज वाकई बहुत खुश हूँ। श्वेता का मानना था कि लोग अक्सर उन्हें ही दूसरी शादी के टूटने का जिम्मेदार मानते हैं। जब उनसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी भी कैसे टूट सकती है, तो श्वेता कहती है कि क्यों नहीं टूट सकती, कम से कम मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो है कि मैं इसके बारे में खुलकर आपसे बात कर रही हूँ, अपनी दिक्कतों के बारे में बता रही हूँ। मैं आज जिन चीज़ों से गुजर रही हूँ वो मेरे परिवार की भलाई के लिए है। कम से कम मैंने हिम्मत तो दिखाई बिना ये सोचे समझे कि लोग या मीडिया मेरे बारे में क्या कहेंगे या क्या लिखेंगे। जो औरतें इस डर से आगे ही नहीं आती कि लोग या समाज उनके बारे में क्या कहेगा, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि ऐसे वो अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकती। उस दर्द को अकेले ना झेलें, आगे आएँ और खुलकर बात करें। अभिनव और श्वेता ने 2013 में शादी की थी और फिर अब अगस्त 2019 में श्वेता ने अभिनव पर घरेलू हिंसा की शिकायत करी थी। खबरें आई कि अभिनव ने उनकी बेटी पलक को मारा था। यह दूसरी बार है कि जब श्वेता घरेलू हिंसा को लेकर खबरों में आई है। इससे पहले श्वेता जब 19 साल की थी तो उनकी शादी राजा चौधरी से हुई थी, जो कि एक एक्टर है। श्वेता की माने तो राजा उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करते थे। इसके चलते श्वेता उनसे 2008 में अलग हो गई थी। तो अगर आप श्वेता तिवारी की ज़िंदगी में झांक कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की और एक मुकाम हासिल किया। श्वेता आज उन औरतों के लिए मिसाल बन गई हैं जो औरतें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, परेशान हैं, घुट घुट के जी रही हैं, पर किसी दबाव के कारण उसी रिश्ते का बोझ ढो रही हैं। श्वेता ने साबित कर दिया कि कैसे एक महिला अकेले बिना किसी मदद के अपने घर परिवार को बखूबी संभाल सकती है। जो शादीशुदा औरतें ये सोचती हैं कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमें इस रिश्ते को निभाना ही पड़ेगा, तो श्वेता इन औरतों के लिए एक उदाहरण बन चुकी हैं। हम अपने व्यूअर्स को यही कहेंगे कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसे घुट घुट कर ना जिएं। अगर कोई रिश्ता आपको परेशान कर रहा है तो उसे जल्द से जल्द ख़त्म करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ कर कर ना जिएं, ज़िंदगी को खुलकर जिएं, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है और किसी की नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें।